सिन्हा सर ने एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं। और जैसा कि आपको मालूम, एक बार फिर मैं जो है पाकिस्तान और इंडिया में आज ईद का दिन है। आप सब मुसलमानों को जो आज ईद मना रहे हैं तमाम दुनिया में और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको मैं ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक कॉलर को हम शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन को अली मौसी साहब, आपको भी सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक हो भाई, खुशामदीद। आज आपका सेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, नया सेट है जी, हमारे जो हिदायत की टीम है उसकी अंथक मेहनत की वजह से ये सेट जो है आप तक पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तब्दीली आती है मुझे फौरन पता चल जाता है और खूबसूरत सेट है माशाल्लाह। चेंजिंग होनी चाहिए, 3-4-5 महीने बाद, साल बाद चेंज हो जाना चाहिए। तो अली भाई की भी बातें सुनिए, माशाल्लाह जन्नत अमल से मिलती है, अमल करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। आज भी अमल करेंगे तो सब कुछ हमको इंशाल्लाह तआला मिल जाएगा। तो वही बात, अल्लाह ने जिसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो अली भाई, मेरी बहन ने आपकी एक ड्यूटी लगाई है कि आपने खाना बनाना है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको याद कर रहा था उस वक्त, मैंने नाम नहीं लिया, की नाक नहीं कटवा छोड़ दिया आपने। नहीं, मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, मगर आप जहन में आए थे मेरे के, ये मैं मेरा घर हाजिर है और इसको अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके तो अगर किस तरह खाना बनाया तो वो साथ अगर साथ चला देगा ना 2-3 मिनट की वीडियो तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप बनाए तो किस तरह बनाया, नहीं आपकी बारी है, हमारी नाक नहीं कटवानी, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। नहीं, आपकी बारी है, आप बेहतरीन कुक हैं, आपकी बारी है इंशाल्लाह ताला। तो देखें कि अपना, मेरी बहन ने भी अभी छोटी सी बात की, अभी टॉपिक पे भी आप बात कर रहा हूँ, मेरी बहन ने कहा था कि बच्चों को फलसफा कुर्बानी बताएं। तो मेरी बहन, जिन लोगों ने बताना था उन लोगों ने बताया नहीं, मिंबरे रसूल पे बैठने, ये उनकी ड्यूटी है कि फलसफा कुर्बानी बताते कि ये जो मुसलमानों आज तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत अदा कर रहे हो ये तरीकेकार ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। तो ये उनकी ड्यूटी थी, चलो अल्लाह करेगा कि वो अपनी ड्यूटी अपना जो उन्होंने निभाएंगे। तो अली भाई, अपना अजहर साहब को मैनचेस्टर से जिन्होंने कॉल की, और उनकी, अगर मैं टीचर होता, अगर ये आज एग्जाम होते तो मैं यकीन जानिए कि उनको एक एक उनकी बात के ऊपर उनको 100 नंबर में देता। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और वाजिया तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया है जिसको समझना चाहिए। तो अब हमने अली भाई आगे जाना है, इसकी जिम्मेदारी कौन, जिम्मेदार कौन है? मैं आपको फोन कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मुझ पे भी आती है कि मैं भी इस चीज का जिम्मेदार हूं कि ये वहां पे हो गया। मेरी बहन, हमारे शहर में नारवाल में वो पानी की एक टैंकी थी, उसके ऊपर सायरन लगा हुआ था, जंग के दौरान लगाया था कि जब वो जहाज आते थे इंडिया से तो वो सायरन बजता था, तो हम भाग के ना वो मोर्चे में चले थे, चारपाई के नीचे चले जाते थे। तो फिर उसी सायरन को हमने यूज किया रमजान में, जब रोजा खोलना बंद करना होता था ना, जैसे ही हमारा वो सायरन बजता था तो हम फौरन ही अपने हाथ से वो जो खाने वाली बुरकी थी ना वो छोड़ देते थे, ग्लास का पानी नीचे रख देते। तो इसका सिंपल हल है कि जितने भी हाजी वहां पे जाते हैं इससे दुगने भी चले जाएं, उनकी सिर्फ एक तरबियत की जाए कि भी ए अल्लाह के बंदो, खाना काबा के अंदर ये जो हमने सायरन लगा दिए, जैसे ही आपने आवाज इसकी सुनी आपके कानों तक पहुंच गई, आपने सिर्फ फौरन बैठ जाना है अपने इसको हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। यकीन जानिए अगर एक चींटी भी वहां पे अगर वो मर जाए ना तो मेरा नाम अपना, ये बात आपने सऊदी एम्बेसी तक और पाकिस्तान की हुकूमतों तक और जो भी हाजी लेके जाते हैं इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर आदमी इसकी ट्रेनिंग करे और वहां पे भेजे। ये हज का जो मैसेज है ये हमारा ऐसा मैसेज है कि जिससे उम्मत को, उम्मत का जो है इमेज जो ना बढ़ता है, हमने जो गैर मुस्लिम उनको बताना है कि ये हमारा खुतबा है, ये हमारे रसूल का मैसेज है, ये हमारे अल्लाह का मैसेज है। और इतनी बड़ी गैदरिंग दुनिया पे करना, अल्लाहु अकबर, अगर ये आज गैर मुस्लिम कर सकते होते तो इन्होंने तो तबाही बर्बादी मचा देनी थी कि देखना कि हम दुनिया के सबसे सिविलाइजर, देखो हमने ये क्या काम किया। तो ये मोहम्मद अली भी की जिम्मेदारी है, मेरी बहन की भी, आपकी भी, सबकी जिम्मेदारी है। अजहर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया और आगे चलना है, और इसके लिए और भी है। तो
वहां पे लोग गंदगी भी फैलाते हैं, मैंने देखा है टिश्यू वगैरह पड़े होते थे। ये हमारा काम था कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं और निस ईमान है सफाई का, अगर वो टिश्यू नहीं बिन मिल रहा तो उसको अपनी पॉकेट में डाल लें, अपने हाथ में पकड़े रखें, मौका मिले तो उसको बिन में डालें। तो एक एक चीज को सोचना पड़ता है। तो ये हुकूमतों का जो है नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि जितने भी हाजी पाकिस्तान से गए थे उनकी तरबियत की, उनका नोटिस लिया कि जो है लोगों तुम जा रहे हो अपना दूसरे मुल्क में जा रहे हो, वहां पे आपने एम्बेसीडर है, आपकी एक एक हरकत से आप टिश्यू फेंकेंगे, आपकी एक एक बात से जो ना आपने कंकर किस तरह मारने हैं वहां पे। तो कल मेरी एक बात हुई है मेरे दोस्त से अली भाई, मैं वो शेयर मैं किसी और प्रोग्राम में करूंगा, और उसने जो वहां पे हाल बताया ना, 5 दिन वहां पे वो जो ना भाई बड़ा रहा। तो अजहर साहब ने बड़ी बात अच्छी बात की, एटीट्यूड, वो एटीट्यूड ऐसा खराब था कि वो उसको पागल कर दिया उन लोगों ने, सऊदी अरब वालों ने, कि वो कहता कि एयरपोर्ट के ऊपर मैं पागल हो गया कि ये कहां पे मैं किस खित्ते में आ गया हूं। अगर यही आज मैं लंदन के साथ मेरे लंदन में वाकया होता तो उन्होंने मेरी हर बात जो ना सुननी थी, लेकिन उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ना एयरपोर्ट पे ठीक है, ना जो हुकूमतें में बैठे हुए हैं। ये अजहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने इनको एटीट्यूड जो ना ठीक करना चाहिए। तो बाकी मेरी बहन, आपने जो बताया था ना क्या कहते हैं खाने का, तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रामफोर्ड रोड पे जाना है, माम बारगाह है इलफोर्ड ग्रीन लैंड पे ऊपर ग्रीन स्ट्रीट के पास, तो वहां पे मैंने लंगर जो है ना इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है कि जो हम न्याज देते हैं लंगर देते हैं, और वो जो स्वीट डिश थी एक मैंने पैकेज बनाया था और बड़ा रीजनेबल और इतना खूबसूरत और इतना अच्छा, और मैं सोचता था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो लंगर मैं आम कर दूं तो मेरी जो है ना ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वो मैंने तैयार किया हुआ है, अब माँ बार का जाऊंगा, उनसे रब्ता करूंगा और उनको बोलूंगा कि ये लें और इसको इंट्रोड्यूस कराएं, बजाय इसके कि हम कमर्शलाइज बने। ये हमारी जितनी माएं बहनें आती हैं ना माम बारगाह में आती हैं, ये मेरे साथ मिलके काम करें, यकीन जानिए हमें किसी होटल से किसी से पकवान पड़े, घर का खाना होगा और घर का लंगर होगा, इंशाल्लाह ताला ये हुसैनी लंगर जो ना चलेगा। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए आपके टीवी के ऊपर अगर कोई मोहम्मद अली का या आप और मैं दोनों अली भाई हम तीनों बैठे हैं ना, अगर कोई आदमी सुन रहा है ना, अगर हमें प्रोग्राम हदायत टीवी पे स्पॉन्सर कर दे, दो प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दे, तो यकीन जानिए इंशाल्लाह अगर हम बहुत सारी चीजें अचीव कर जाएंगे। जज़ाकअल्लाह अली भाई और मेरी बहन, टाइम देने का, ईद मुबारक एंड ईद मुबारक दोबारा। बहुत शुक्रिया आपको, ईद मुबारक। एक और कॉल को हम शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जब हम हज या उमरा पर जाते हैं तो हमारा हर आदमी का ये ख्याल होता है, बल्कि होना भी चाहिए, कि हलाल चमड़े का बेल्ट और स्ट्रैप हो, खासतौर पर घड़ी का स्ट्रैप और चमड़ा जो बेल्ट हम बांधते हैं। आप 1000 कोशिश कीजिए, यहाँ आप बरतानिया में छोड़ के जाएंगे शायद ये मशकूक चमड़ा है, पाकिस्तान से खरीदा वो ठीक है वगैरह वगैरह, और सऊदी अरब से खरीदेंगे, वहाँ आप जाएंगे तो चाइना की मिली हर चीज बनी चाइना की मिलेगी, टोपियाँ सब्बा जात तोप पैरहन ये सब चाइना के होते हैं, घड़ी के स्ट्रैप बेल्ट वगैरह वगैरह, उन्हें कतन हलाल और हराम चमड़े की कोई तमीज नहीं है, बाहर से आता है सिलसिला। ये उन्होंने बहुत तीर मारा सऊदी अरब ने, तो इतना किया है कि वादी फातिमा से पानी की बोतलें भरने का एहतमाम किया है, छोटा सा कारखाना है, इसके अलावा बद्दू वहीं के वहीं रुके हैं। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी क्रैन लाने की मुजरम थी, रमी जवाहर के लिए जो हादसा हुआ पर इतना बड़ा वाकया हुआ, इतने लोग शहीद हुए, उसमें ये तौसीक कर सकते हैं। किसी ने मिसाल दी थी, मैं खुद भी मौला के हरम की मिसाल दे चुका हूँ कि करबला में इससे 6 गुना लोग होते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि वो नजफ अशरफ से करबला मौला तक भी फैले होते हैं, करबला में सारी जगहों फैले होते हैं। ये एक मखसूस इलाका है जिसमें पत्थर मार कंकड़ियाँ मारनी होती हैं, और फिर वो भी या वो लोग जो एक बार बड़े शैतान को कंकड़ियाँ मारकर दोबारा जाते हैं, और फिर दूसरे भी जो 12 जिला को जाते हैं वो भी, इसलिए खास क्योंकि मुख्तसर टाइम में सारी दुनिया सारे लोगों को सारे औजाद को वहाँ जाना होता है, ये मानने की बात है कि ये मसला है, लेकिन इसको हल किया जा सकता है, उसको वार्डनिंग उसकी हो, अगर उसके गिरदा गिर्द तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और आइंदा उनको ऐसा करना चाहिए।
लेकिन जो उसके अलावा हैं वो आप ये समझेंगे कि वो देख रहे हैं कि यमन में क्या हो रहा है और जहाज को रोका क्या, वहाँ कितने खुदकुश धमाके भी हुए हैं। इसके अलावा ये सब सियासी बातें हैं। यहाँ अगरचे सियासत नहीं थी लेकिन एक बहुत बड़ी गलती थी, उनको एहसास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कितने जहाज इस दफ़ा आए हैं और कितने ने कंपनियाँ मारनी हैं ऑल टुगेदर। इस वक्त की लिहाज से ये रखा जा सकता है, फलां मकतब तक कल जाएंगे, फलां मकतब तक दो घंटे बाद जाएंगे, एक सर्टन अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि टोपियां बेल्ट वगैरह वगैरह वो मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया आते हैं, इसी तरह वहाँ कतन ये तसव्वुर नहीं है कि यह चमड़ा हलाल है हराम है। मेरा ख्याल है कि इस तरफ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम नुकात के ऊपर जी बिल्कुल। अपने एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मैं अनीस हैदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। अनीस हैदर साहब न्यूयॉर्क से खुश आमदीद कहते हैं, फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मैं आपको ईद मुबारक पेश करता हूँ, आपको तमाम सामईन और नाज़रीन को और आपकी तमाम टीम को। ये बहुत ही आज का प्रोग्राम तो आपने बहुत ही अच्छा रखा है। हकीकत ये है कि आज का मौका ऐसा होता है कि जिसमें मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो सऊदी हुकूमत की है, वही उसको मुनज़िम करे और वही उसको उस तरतीब से करे कि कोई ऐसा हादसा ना हो सके। अब इससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजमा जो होता है वो आपने भी देखा है और आप जानते भी हैं, करबलाई मोहल्ला में होता है ख़ासतौर पर। अभी भी इतना मजमा दिखाया गया था और इससे पहले अरबईन में पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, इस कदर मजमा था और कोई खुदा न करे कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, तो उसकी क्या वजूहात हैं? अब जरा इस पर गौर करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि वहाँ पे जो हादसा हुआ है उसकी मेन वजह यह है कि कुछ रास्ते जो हैं, जैसे कि बताया जाता है कि रास्ते बंद कर दिए गए थे, वो मखसूस लोगों के लिए थे और बाकी कुछ रास्ते खुले हुए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतनी कीमती जाने जो हैं वो तलाफ हुई है। उसमें काफ़ी ईरानी भी शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी भी हुए हैं और बहुत मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी शहीद हुए हैं और वाकई जिस पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है और किसी की भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा मैं मोहम्मद गुल अंदर से बोल रहा हूँ। जनाब आपको और अली मुफ्ती साहब को बड़े अदब के साथ सलाम और ईद मुबारक हो जी आपको भी। तो आप लोगों के बात सुनी, हदायत की बात सुनी, काश के हम लोग हदायत की बातें सुनते और इस पर अमल करते। ये अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि जिसने अपने रब को हासिल कर लिया वो कामयाब हो गया और बाकी सब फेल है। मेरी दुआ है कि हम लोग अपने नबी और अपने अहले बैत को किसी तरीके से भी खुश कर ले, तो जब ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह खुद खुद घर में आ जाएंगे। तो अल्लाह की हिदायत ये है कि अपने आप को साफ रखो और अल्लाह की हिदायत पहुंच जाएगी। अगर जब तक हमें अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, सच नहीं बोलेंगे, नबी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अहले बैत हज़रत अली अलैहि सलाम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप जैसे लोगों को जो अल्लाह ताला के नबी और अहले बैत की बातें करते हैं आप भी रिस्पेक्ट के काबिल है कि आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कीजिए। जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये जो हादसा हुआ है आज के दौरान, ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए सारे बंदोबस्त करे। ये उनकी नाअली और सुस्ती और बेअकली है कि जिनके जरिए से इतनी खड़गत जो है ये दुनिया से चली गई। खुशियां लेने के लिए गए थे और घर में इस तरह का अफसोसनाक हादसा लेके आए हैं कि उनकी जिंदगी में ये भूल नहीं सकता। तो मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया और आप सबको बड़े अदब के साथ सलाम भी करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी मैडम साहब, मैं एक मिनट के लिए असल में अपना एक पॉइंट दोबारा नोट करने आया हूँ। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में जो जब जब वहाँ खर्च होते हैं दुम्बे बकरे वगैरह आते हैं न्याजों के लिए, और वहाँ उनका एक कारखाना है जो लेडीज बैग और दूसरी चीजें बनाते हैं, वहाँ का एक बैग 1,60,000 तुमार में एवरेज 40 पाउंड के करीब मिलता है, जो बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा होता है। इसी तरह अगर सऊदी अरब में ये करना चाहें तो एक साल में जितनी जानवरों कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा होती हैं, अगर वो उनको उसका बदल गुरबा को देकर उसके बेल्ट स्टैप्स वगैरह वगैरह बना दें जो हराम जानवरों के ना इस्तेमाल हो सके, ताकि चाइना ताइवान वगैरह के, तो ये अपना इस सिलसिला कर सकते हैं। और या ये यकीनी बना सकते हैं कि अगर वहाँ खुद इनका जमरा कारखाना नहीं है तो ये किसी किसी मुल्क को ठेका दे सकते हैं उस कुर्बानी की खालों का, 1 साल की कुर्बानी की खालें, सब बेल्ट का मामला हल हो सकता है अगर तवज्जो दी जाए इस तरफ। तो मैं बड़ा राल चाहता हूँ कि वहाँ जो कम अज कम 30,000 लोगों का कारोबार वाबस्ता है वहाँ मौला के हरम से, और कम अज कम 300 कारखाने चलते हैं डिफरेंट टाइप के, मैंने थारोली वहाँ देखा है, तो क्या ये नहीं कर सकते? आप देखिए वहाँ आपको चमड़ा मिलेगा, पता नहीं वो किस किस्म का माजल आदमी डरता है, कुछ कर सकते हैं, करना नहीं चाहते जी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर, जरूर तवज्जो दिलाइएगा कहीं अपने स्कॉलर को, अपने उलमा को, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम नुक्ते की तरफ जो है मखसूस आपने फरमाया, क्योंकि अगर हम किसी हराम चीज़ को इस्तेमाल किए होंगे अपने लिबास के साथ तो सारी बातें ना नमाज होगी ना कुछ, और फिर जब हाजी साहिबान जा रहे हैं तो मार्केट में सारी बातें चाइना की चीज़ें हैं। बहुत अच्छा नुक्ता है, इस पर बात करेंगे, एक और कॉल को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन मौसी भाई, आपको भी सलाम और ईद मुबारक हो दोनों को, खुश आमदीद मुबारक आपको। मौसी भाई, आप एक चीज देखनी पड़ती है इन चीजों पे, मुझे ये बताएं कि 2 करोड़ आदमी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पे हाजिरी देता है तो पूरी कौम जो है वहां की, इराक की पूरी आवाम जो है वो अपनी खिदमात पेश कर देती हैं जवारों को, और यहाँ तक होता है कि वो उनके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं खुदारा एक दफा हमारे मेहमान आ जाएं, क्योंकि आप मौला के मेहमान हैं, हमें भी शर्फ हासिल हो कि हमें मौला के मेहमानों के लिए हमने मेहमानदारी की है। यानी पूरी कौम जो है वो तैयार होके खड़ी होती है, और वह यहाँ तक के 80 मील तकरीबन पता नहीं कितने नजफ से करबला तक का सफर है, पूरे रास्ते में आप देखते हैं कि लोग किस तरीके से, मकामी लोग किस तरीके से, बल्कि पाँव अगर छिले हों सूजे हों तो वो खुद धो बैठ के धोते हैं, खुद पाँव धोते हैं जवारों के। यानी कौम के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया है कि जब जवार आए तो उनकी खिदमत आप लोगों ने कैसे करनी है, और अपनी जेब से लोग करते हैं। एक तरफ तो ये है जिन्होंने दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद की और इस्लाम की मोहब्बत जिनके दिलों में है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि 40-50 लाख या 30 लाख आदमी वहां पे जाता है, और वहां पहले तो पाबंदियां होती हैं जी इससे ज्यादा कोई ना आए, फिर पाबंदी होती है जी यमन का कोई ना आए, फिर पाबंदी होती है जी इराक का कोई ना आए, फिर पाबंदी होती है जी शाम का कोई ना आए। यानी ये खुद खुदा बन के अगर कोई बैठ जाए और लोगों को हज से मना करें तो फिर दसो बताओ कि इनके साथ क्या हशर होना चाहिए इनका, कि जो हज से मुसलमानों को रोकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने जब भी देखा है कि वहां पे आप क्या जी कि हम ये कर रहे हैं हज की तादाद को ये कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, और बिलियन डॉलर ये हर साल इकट्ठा करते हैं और जुए और शराबों में उसको उजाड़ के आ जाते हैं और दे के आ जाते हैं हज की कमाई को, तो फिर इनसे आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? या 700 से 700 या तो पता नहीं आगे जाके क्या क्या इनके हाथों से होगा, क्योंकि ये वो कौम है, ये वो लोग हैं, नलायक लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी अय्याशियों और कुर्सियों की खातर ये लोग बैठे हुए हैं, और अपनी कुर्सियों और बादशाहों से बचाने के लिए बैठे हुए हैं, किसी से कोई गरज नहीं, कोई आता है जाता है, कोई मरता है करता है। वरना यही चीज अगर आवाम को दे दी जाए और ये चीज अगर अवाम वहां के सऊदी अरब के अवाम करना शुरू कर दें मोहब्बत और प्यार से हाजियों के साथ हुआ उनको वेलकम करना शुरू कर दें, तो ये हादसे कभी भी ना हो, ये कभी ऐसा वक्त ना आए कि वहां पे लोग इस तरीके से लोगों की जाने जाएं
क्योंकि अवाम खुद उनकी खिदमत करेंगे, अवाम खुद उनको संभालेंगे, अवाम खुद उनको रास्ते दिखाएंगे। तो वहां तो मुसीबत यह है कि खड़े हो गए दुआ मांगे बाग रसूल के रोजे के सामने, तो ये दुआ नहीं मांगने देते, या क्या किस चीज को रोएं, किस चीज को देखें, जो इन्होंने क्या ये कंट्रोल करने का यही तरीका है कि लोगों को हर साल 10,000-1,200 आदमी मरवा दिया करते हैं, यही कंट्रोल है इनका, यही इंतजाम आते हैं इनके कि हर साल लोग मरते हैं, हर साल लोगों के बगदर मचती है, हर साल ये कहाँ गया वो इंतजाम, 100-125 साल हो गया हुकूमत इनको हुकूमत करते हुए मूसी भाई, तो 125 साल में इन्हें कोई अकल नहीं आई। ये 300-300 बिलियन डॉलर के जहाज खरीद लेते हैं, असला खरीद लेते हैं, और असला जाके मुसलमान मुल्कों पे भी गिरा के मुसलमानों को मारने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, वहां पे इनके पास इंतजाम है असला गिराने के लिए और असला खरीदने के लिए, तो हज के इंतजाम ये नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है कि इनके नजर में मुसलमान कोई हैसियत नहीं रखता, वो कीड़े मकौड़े हैं, यहां मरे काबे में मरे या यमन में मरे इनके लिए सब एक ही है, और शाम में मरे या इराक में मरे इनके लिए सब एक ही है। तो मैं आपसे कहूंगा मूसी भाई कि ये आपको ये कहे जी कि उनका क्या कसूर है, भगदड़ होगी, भगदड़ पहले भी होती आई है और इनको पता नहीं है कि भगदड़ होती है, तो उसका इंतजाम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि डॉलर इनके सारे अपनी अयाशियों पे लग जाते हैं और इसकी वजह से अवाम मरते हैं, तो मरे उनका तो कोई नहीं ना मरता, उन्हें क्या, उनका तो कोई होगा तो उन्हें दुख होगा ना इस बात का, अपना मरा था उनका एक तो वहां पे गए, जो जो किसी के लिए दुआ नहीं मांगते, तो अपना मरा था तो उसके लिए तो वो अपनी दुआएं भी मांगनी शुरू कर दी उन्होंने, और बिदतें भी सारी कर, जिसको बिदत कहते हैं वो बिदत भी इन लोगों ने शुरू कर दी थी, और दुआएं भी मांगते हैं अपने के लिए जाके, और दूसरों के लिए ये दुआ भी नहीं मांगने देते। तो जब तक ये सारी पाबंदियां सारी तकलीफें हटाएंगे नहीं, आवाम को इसमें शामिल नहीं करेंगे, सऊदी अरब को आवाम को खिदमत के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक मेरे भाई यहाँ पे यही असर होगा और ये अय्याशी करते रहेंगे और दौलत इकट्ठी करके खाते रहेंगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने जो है वो आज इसके ऊपर मुख्तलिफ अपने कॉलर साहिबान की राय जानने की भी कोशिश की, और मजमूई तौर पर हमें जो है वो एक ही इशारे मिलते हैं, एक ही सोच मिलती है पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत वक्त है, क्योंकि इंसान कहा जाता है कि गलतियों से सीखता है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है या दूसरा वाक़या नहीं है, ये तवातुर के साथ होता चला आया है। तो आखिर इंतज़ामात उन्होंने क्या किए और उसमें क्या बेहतरी आई कि हर साल हो जाता है, फिर इस दफ़ा तो सोने पर सुहागा हुआ क्रेन भी गिर पड़ी, मतलब खाली इसका मदावा ये नहीं है कि लोगों के नाम पे पैसे भेज दिए जाएं, यही कह दिया जाए जी अल्लाह ने उनको बख्श दिया, वो तो खाने काबा आए थे मारे गए, अपनी नाहली छुपाने के हज़ार बहाने वो तराशे जाते हैं, तो ये सारे चक्कर है। आखिरी कॉल मुख्तसर से शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बाजी, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह कुछ करे आपको, अली भाई को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी सबा बहुत ईद मुबारक हो। कैसी आपकी ईद गुजर रही है? जी जैसा कला बहुत अच्छी है, कुर्बानी भी आज बाबा ने की थी। अच्छा, चले बहुत मुबारक हो आपको। क्या बनाया आज आपने, क्या पका रही है? पहले तो सालन बनाया था, अब बिरयानी। चले अभी हमारी तरफ से भी आप बिरयानी हमारे हिस्से की भी खा लीजिएगा। सब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आपने हमें ईद वाले दिन याद किया, हमें बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, अली भाई मेरा ख्याल है कि हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना था जो कि यही है कि ये तो अब अल्लाह ताला सबसे पहले इनको हिदायत दें, फिर उसके बाद हम मुसलमानों को एक आवाज़ जो है अब इनको यहाँ से हिजाज़ मुक़द्दस की सरजमीन से अपने मनहूस वजूद को हटा देना चाहिए, और ये एक वक्त आएगा आने वाला है, क्योंकि नजिस वजूद जब तक हिजाज़ मुक़द्दस की सरजमीन को नहीं छोड़ देता वहाँ पर बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। हिदायत उनके लिए होती है जो हिदायत के काबिल होते हैं, ऐसे खूंखार लोग जिनको देख के दरिंदे शर्मा जाएं, उनको हिदायत क्या मिलेगी जिनके कांधों पर लाखों लोगों का खून है। बिल्कुल जी, हमें हमारा हिजाज़ मुक़द्दस जो है वो वापस चाहिए, और इंशाल्लाह हिजाज़ मुक़द्दस हिजाज़ ही के नाम से पहचाना जाएगा, पहचाना जाता है और जाना जाता है। अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो इस हादसे में शहीद हो गए हैं जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, तमाम फैमिलीज़ को जो है वह सब्र अता फरमाए, और जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं उन्हें जल्द अज जल्द शिफायाब करें और उनके अपने अपनों से उनको मिलाए। हमारी तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारक। मुझे और अली भाई को अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।